हेलो दोस्तों दोस्तों मैं हूँ पंजाबी सूट कलेक्शन से, और आप में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि हमारी फर्म पंजाबी सूट कलेक्शन लेडीज सूट्स होलसेल में डील करती है। तो सबसे पहले मैं अपने उन कस्टमर्स से माफी चाहूंगा, क्योंकि वो ये समझ रहे होंगे कि आज की वीडियो में मैं उनको डिजाइनिंग दिखाऊंगा अपने सूट्स की। तो सॉरी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको डिजाइनिंग नहीं दिखाऊंगा। दोस्तों मेरे पास काफी फोन आए जो मैंने पहली वीडियो बनाई थी, तो उनको अच्छी लगी और मेरे पास फोन आए कि सर आप ऐसी वीडियो बनाएं जिसमें बताएं, हमें तरीके बताएं जिससे बिना पैसे के, बिना इन्वेस्टमेंट के बिजनेस कैसे शुरू करें। क्योंकि उन लोगों ने बताया कि उनके पास पैसे नहीं हैं या कम पैसे हैं, थोड़े पैसे हैं, और वो अच्छा कारोबार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं है, पैसे नहीं है, तो वो कैसे कारोबार करें। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो और बनाई जाए, और क्योंकि मैं मार्केट में बैठा हूँ तो मेरे पास बहुत सारी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो आज बहुत कामयाब करोड़पति और बहुत करोड़ों रुपए का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन जब वो मार्केट में आए थे तो उनके पास ना के बराबर कैपिटल था, मतलब पैसा नहीं था, लेकिन उन्होंने बिना पैसे ही बहुत बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए हैं। मैं आपको बताऊंगा उनके बारे में, एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे सवाल करता हूं कि मैं आपसे पूछता हूं कि आप बताइए कि अगर कोई बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं या कोई भी करना चाहता है तो उसमें किस किस चीज की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भाई प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग होती है कि हमें प्लानिंग ये कि हमें किस चीज का बिजनेस करना है, जूते का करना है, कपड़े का करना है, कॉन्फेक्शनरी करनी है, वो प्लानिंग करते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट कैपिटल का अरेंजमेंट करते हैं। तो सब लोग यही कहेंगे कैपिटल बहुत जरूरी है बिजनेस शुरू करने के लिए, सब लोगों का यही मानना है। लेकिन दोस्तों जब से मैं मार्केट में आया हूं मेरा नजरिया बिल्कुल बदल चुका है, और मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स ऐसी देखी हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं था, कोई चाय की दुकान पर काम करता था, कोई लड़के जो हैं किसी दुकान पर नौकरी करते थे, और खुद मेरे पास मेरी शॉप पर, मेरी हौजरी की शॉप थी, हौजरी का बहुत अच्छा काम था, तो खुद मेरी शॉप पर लड़के कटिंग करते थे। वो लड़के आज करोड़ों का बिजनेस हौजरी का कर रहे हैं, और जब वो मेरे पास आए थे तो सिर्फ 40 रुपए रोज कमाते थे, पूरे दिन मेहनत करके सिर्फ 40 रुपए रोज कमाते थे, लेकिन वो बंदा आज करोड़ों रुपए का हौजरी का बिजनेस कर रहा है। तो दोस्तों मेरा नजरिया ये है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट जरूरी होता है, लेकिन इससे भी जरूरी होता है रेपुटेशन। रेपुटेशन और इमेज अगर आपकी है तो आप बिना पैसे के या कम पैसे के भी बिजनेस कर सकते हैं। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आएंगे माल लेने के लिए, मैं होलसेलर हूं और मैं भी, बहुत सारे रिटेलर्स हैं, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जिनको उधार देता हूं और वो मेरे से माल ले जाते हैं और अपने टाइम पे आके पैसे दे देते हैं, मैं दोबारा फिर उनको माल दे देता हूं, तो ये सिलसिला चलता रहता है। ये सिलसिला कैसे चल रहा है, क्योंकि उन्होंने एक इमेज बनाई हुई है, एक अपनी रेपुटेशन क्रिएट की हुई है मेरे सामने कि हम बेईमान नहीं है, हम चीटिंग नहीं करते, हम माल बेचते हैं और पैसे लाके आपको दे देते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट और कैपिटल से भी जरूरी है इमेज और आपकी रेपुटेशन और ऑनेस्टी, यानी कि आप ईमानदार हो। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे, चीटिंग करेंगे या फिर आपकी रेपुटेशन कोई नहीं होगी तो आपको कौन उधार देगा। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई है कि आप परेशान हैं, बहुत सारे बंदे परेशान हैं कि भाई पैसे नहीं है, खाली बैठे हैं, काम करना है, लेकिन उनमें लगन है, उनको काम करने की लगन है और बड़ा बनना चाहते हैं और करोड़ों रुपए का बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन पैसे नहीं है। तो दोस्तों उसके लिए आपको इमेज बनानी पड़ेगी, आपको रेपुटेशन बनानी पड़ेगी। आपको बता दूं दोस्तों इतने सोर्सेज हैं, पैसा लगाने वाले इतने हैं कि लाखों लोग ऐसे बैठे हैं, वो ढूंढते हैं, मैं खुद ढूंढता हूं ऐसे लोगों को, ढूंढता हूं जो मेरे से उधार माल लेके जाएं और मेरा माल बेचकर ईमानदारी से मुझे पैसे लाकर दे दें। मैं खुद तलाश करता हूं ऐसे लोगों को, और ऐसे बहुत सारे
दुकानदार हैं, लोगों के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उनको कमी लगती है तो सिर्फ ऐसे ईमानदार लोगों की जो उनका माल बेचे, सप्लाई करे और उनका अपना प्रॉफिट रख ले, और जो उसके उनके पैसे हैं वो ईमानदारी से और अच्छी रेपुटेशन बना रखी है उन्होंने, ईमानदारी से पैसे लाकर होलसेलर के या जो माल दे रहा है, उधार माल दे रहा है, उसके पैसे उसको वापस लाकर दे दे। तो दोस्तों, आप पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी हो, पहले तो आप देखिए कि आपके पास मार्केट कौन सी अच्छी है और आप किस चीज का बिजनेस करना चाहते हैं। सपोज आपके शहर में जूते की मार्केट है और आपको लगन है कि मैं जूते का काम करूं, और आपके पास पैसे बहुत कम हैं, थोड़े बहुत तो देखिए पैसे चाहिए ही, थोड़े बहुत पैसे तो इंतजाम करना होता ही है, तो आप मार्केट में देखिए, जाकर देखिए, पैसे अपने जानकार को ढूंढिए, अपने रिश्तेदार को ढूंढिए, कोई ना कोई आपको रिश्तेदार जानकार उस मार्केट में ऐसा बैठा हुआ मिल जाएगा जो कि आपकी हेल्प कर सकता है। हेल्प क्या करनी है, उसने हेल्प ये करनी है आपका जो रिश्तेदार जानकार होगा कि उसने आपको होलसेलर से, वहां के होलसेलर से मिलवाना है, आपको होलसेलर से मिलवाएगा। अगर आप ईमानदार हैं, अगर आपकी इमेज बनी हुई है, अगर आपको रेपुटेशन अच्छी है, अगर उसको आपके रिश्तेदार को पता है कि ये आदमी अच्छा है, माल बेचकर पैसे दे देगा, तो वो आपको उस होलसेलर से कॉन्टेक्ट करा सकता है। और बहुत सारे होलसेलर भी आपके जानकार होंगे, आप जानते होंगे, आप उनके पास जाइए। अगर आपकी इमेज अच्छी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है और आपको वो जानता है, तो वो आपको माल उधार देगा, क्यों नहीं देगा, उसको खुद आपकी जरूरत है, उसको खुद एक ईमानदार आदमी की जरूरत है, क्योंकि उसके पास माल की कमी नहीं है, उसे सिर्फ कमी है तो ईमानदार सेल्समैन की, ईमानदार आदमी की, जो उसका माल बेच सके। तो दोस्तों, सोर्सेज बहुत हैं पैसा लगाने के लिए, सोर्सेज बहुत हैं। अगर आप मेरे पास आए, मैं भी आपको उधार दे सकता हूं, लेकिन पहली बार में कोई नहीं आपको उधार देगा। आप मेरे पास दो तीन बार आए, 15-20 हजार रुपए का, 10 हजार रुपए का तो कम से कम माल लेके जाएं, और मैं देखूंगा कि ये बंदा मेरा माल ले जाता है और सप्लाई कर रहा है और बेच के आ जाता है, और फिर आता है 10 हजार का माल ले जाता है, फिर आता है फिर 15 हजार का माल ले जाता है। तो रेपुटेशन आपको बनानी है मेरे दिल में। अगर मैं देखूंगा कि ये बंदा जेन्युइन है और ये ईमानदार है और काम करने का इसमें लगन है, तो मैं उसको खुद कहूंगा कि भाई ज्यादा माल लेके जा, मैं तुझे उधार दूंगा। लेकिन अगर मैं देखूंगा आप चीटिंग कर रहे हैं या कोई चीटिंग कर रहा है मेरे पास आया, तो उसको कौन माल देगा, उसको कोई माल नहीं देगा। तो उसके लिए सबसे पहले इमेज बनानी पड़ेगी आपको, आपको रेपुटेशन बनानी पड़ेगी, और रेपुटेशन और इमेज के लिए आपके अंदर ऑनेस्टी, ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। तो आप ढूंढें, अपने आसपास ढूंढें, आप मेरे पास नहीं आ सकते तो आपके पास जिस शहर में रहते हैं वहां पर बहुत सारी मार्केट्स हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं कि हमारे पास कोई अपना आदमी आए और हम उसको उधार माल दें और वह हमारा बेच के माल हमें, हमारा पैसा वापस दे और अपना मुनाफा रख ले। बहुत सारे लोग, यकीन मानिए, बहुत सारे लोग आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उन तक पहुंचना है, उनसे आपको अपनी बात रखनी है कि भाई हमारे पास पैसे की कमी है, और आपको शुरू शुरू में हो सकता है कि शुरू शुरू में वो उधार ना दे, तो आपको अपनी रेपुटेशन, इमेज क्रिएट करनी है उसके सामने। दोस्तों, मेरे पास ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो जीरो आए थे, जीरो, हमारे यहाँ शॉप पर नौकरी करते थे, 4-5 हजार रुपए कमाते थे, उनमें से कई लोग, मैं बता आपको पहले ही बताया कि जब मैं हौजरी का काम करता था, जब हौजरी मैन्युफैक्चरिंग थी मेरी, तो मेरे यहाँ कटिंग वाला था एक, 40 रुपए रोज कमाता था कटिंग करने के, उस टाइम में 40 रुपए रोज कमाता था सिर्फ। आज वो हौजरी में बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है, उसके पास इन्वेस्टमेंट जीरो था, लेकिन उसने मेरे सामने अपनी इमेज बनाई, रेपुटेशन क्रिएट करी। उसने मेरे से कहा कि मुझे आप थोड़ा सा माल दो, मैं खाली टाइम में, जैसे यहाँ पे ट्यूसडे को छुट्टी रहती है, तो खाली टाइम में मैं ट्यूसडे को बाहर माल लेके जाऊंगा। इस तरह करते करते मैंने उसको माल दिया, मुझे पता था मैंने उसको माल क्यों दिया, मैंने उसको माल इसलिए दिया क्योंकि उसने अपनी रेपुटेशन, इमेज मेरे सामने क्रिएट की थी। मुझे पता था कि बंदा ईमानदार है और मेरे पैसे मुझे माल बेच के वापस ला के देगा, तो वो मेरे से माल ले जाता रहा और मैं उसको माल देता रहा। इस तरह करते करते आज वो हौजरी में एक बहुत बड़ा
हौजरी में नाम है उसका, हौजरी मार्केट है यहाँ पर, तो हौजरी मार्केट में बहुत बड़ा नाम है उसका और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है। ऐसे ही बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं मेरे सामने। साइकिल पंक्चर लगाते थे एक साहब, साइकिल पंक्चर लगाने के बाद उन्होंने वो छोड़ के यहाँ मार्केट में नौकरी करी और मालिक का ईमानदारी से काम किया और फिर हल्के हल्के थोड़े थोड़ा करके उन्होंने उधार लिया और वो खाली टाइम में इसी तरह से उन्होंने बाहर ले जाके माल बेचा। आज उनकी यकीन मानिए 3 दुकानें हैं मार्केट में, करोड़पतियों में गिने जाते हैं वो। इन्वेस्टमेंट कितना था? 0 इन्वेस्टमेंट, लेकिन उन्होंने अपनी इमेज बनाई, रेपुटेशन बनाई और इस तरह से उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा व्यापार खड़ा किया। तो अगर आपको अपनी काम करना है, आपके पास पैसे कम हैं, तो आपको मेहनत करनी होगी। ऐसे कोई काम नहीं होता कि आपके पास कोई भी पैसे लगा देगा, कोई भी पैसे दे देगा। सोर्सेज बहुत हैं, लेकिन सबको तलाश है कि आप जैसे ईमानदार आदमी की, जो कि ईमानदारी से काम करें, मेहनत से काम करें, लगन से काम करें और उधार भी लें आप और उधार उनका टाइम पे पहुंचा दें। तो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अंदर ऑनेस्टी और रेपुटेशन अपनी बनाइए, ऑनेस्टी क्रिएट कीजिए और आप में लगन होनी चाहिए, मेहनत होनी चाहिए। यकीन मानिए आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, सिर्फ ईमानदारी आपकी और आपकी मेहनत ही आपको एक दिन करोड़ों रुपए का बिजनेस करा देगी। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 10-15 हज़ार का माल ले जाएं, जब मैं देखूंगा कि आपने मेरे पैसे सही टाइम पे लाके मुझे वापस कर रहे या फिर आप माल बेच के आ रहे हैं, आपने मेरा माल ले जाके सही जगह सप्लाई कर दिया है और आप ईमानदारी से चल रहे हैं, तो एक दिन आएगा मैं खुद आपसे कहूंगा कि आप उधार भी लेके जाइए। मैंने उधार देता हूँ आज भी बहुत सारे आदमियों को, बहुत सारे दुकानदारों को उधार देता हूँ। क्यों देता हूँ? क्योंकि उनकी इमेज बहुत अच्छी है, वो बहुत ईमानदार हैं। तो आप भी मेरे से माल ले जा सकते हैं, लेकिन शुरू शुरू में आपको पहले 10-15 हज़ार का माल ले जाना पड़ेगा और फिर आपको खुद मेरे दिल में इमेज क्रिएट करनी पड़ेगी, अपनी रेपुटेशन बनानी पड़ेगी और एक दिन आएगा कि आप जरूर करोड़ों रुपए का काम करेंगे, लेकिन आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, मेहनत करने की लगन होनी चाहिए और रेपुटेशन आपको बनानी ही पड़ेगी। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके दोस्तों।